चलते चलते हम पहुंच चुके हैं बायवर्ड मार्केट। ये है बायवर्ड मार्केट। इतनी खुशी मुझे भी हुई। यहाँ बर्गर मिलता है। रेडियो कैनाल तो हो गया देखना हमारा, तो मैडम जी को बेंच पे बैठा दिया है। ज़्यादा चलने में थोड़ा सा दिक्कत है ना, ज़्यादा नहीं चलवाना चाहिए। वैसे मेरा ऑन एन एवरेज दिन का 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर हो जाता है। और चलते हैं आगे, आपको ब्रिज दिखाते हैं, देखिए कैसा है। और उस तरफ जैसे मैंने बताया कि ब्रिज के उस पार है क्यूबेक, इस तरफ है ऑन्टारियो। बने रहिए मेरे साथ। तो भाई आ गए ब्रिज के पास। तो अभी उतना दूर चल के जाने का मन नहीं कर रहा है, देखते हैं अगर मौका लगा तो गाड़ी लेके उस पार घूम आएंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए आपको एक और नज़ारा यहाँ से ये भी दिखा देते हैं। ये देखिए पार्लियामेंट हिल, और ये है ऑटावा रिवर। और ये मच्छर भी बहुत सारे घूम रहे हैं यहाँ पर, शाम का वक्त है। चलते चलते भूख लग गई भाई। तो यहाँ पे पता किया एक जैक डिनर करके एक फेमस डाइनर है। सॉरी यार मेरा प्रोनाउंसिएशन मैडम जी ने करेक्ट कर दिया। कहाँ गई मैडम जी, सामने आई है ना। इनका भी हलवा टाइट हो गया भाई, चल चल के, है ना। चलना इनको पसंद नहीं है, मेरा फेवरेट है। तो हम अभी जैक डाइनर में जा रहे हैं, और ये फेमस है बर्गर के लिए। और पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर आपको बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। स्ट्रीट बहुत ही सुंदर तरीके से लाइट की गई है। और वहाँ पे वियतनामीज रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पे मस्त कराओके चल रहा है एकदम। और पीछे मेरे बहुत सुंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मस्त यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, पैटियोज लगे हुए हैं, एकदम मस्त फील आ रहा है। मतलब वाइब बहुत अच्छी है यहाँ पे, थोड़ा स्लो लेट बैक टाइप का एनवायरनमेंट है, चिल मारिया। अभी बज रहा है रात के 9:30, समझ में आ रहा, अभी भी दिन उजाला है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ समर्स ऑफ कैनेडा, उजाला देर तक रहता है। पहुंचते हैं आगे। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं बायवर्ड मार्केट। ये है बायवर्ड मार्केट। आज रात का व्यू ले लीजिए, कल आपको दिन में एक बार और दिखाएंगे। तो ये हम उधर जाने वाले हैं, जैक डिनर डाइनर जो भी है। और मस्त चिल आउट मार रहे हैं लोग यहाँ पे। बायवर्ड मार्केट यहाँ का बहुत ही हैपनिंग सा मार्केट है, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। और मतलब क्या बोलते हैं, वाइब ही अलग है भाई। देख पब्स एंड बार्स है, ठीक है। वो लोग ऐसे ही जा रहे हैं, बढ़िया। ओहो इतनी खुशी मुझे भी हुई। सो ये है जैक्स बर्गर्स। पहुँचते हैं अंदर और देखते हैं, शायद रिजर्वेशन करना पड़े। देखते हैं ऊपर में अगर ओपन एरिया में मिल जाए तो इट्स वेरी गुड। Can I get a table for two outside? Yeah. So this is the restaurant. काफी happening सा area है। आइए मैडम का reaction जानते हैं। कैसा लग रहा है मैडम यहाँ पे आके? हल्का होके बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं बहुत मस्त है। मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा इच्छा था कि मतलब ऐसे बाहर बैठ के पैटियो में बैठ के खाया पिया जाए। तो अभी देखते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं।
यहाँ पे मिस्टर प्रमित जी बड़े ध्यान लगा के देख रहे हैं कि क्या खाएंगे। भूख भी लगी है और सुना है बड़ा अच्छा यहाँ बर्गर मिलता है। अंदर एक भाईजान मिल गया तो उन्होंने बताया कि भैया ये आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो हम देखते हैं ऑर्डर करते हैं, लेट आ जाए फिर आपको दिखाते हैं। फिलहाल आसपास का माहौल देख के एकदम मज्जा नहीं लाइफ। गया है हमारा मैक एंड चीज चिकन बर्गर। यहाँ बोलना पड़ता है भैया, सिर्फ चीज़ बर्गर बोलोगे तो बीफ पकड़ा देंगे, तो वो हम खाते नहीं हैं, इसलिए अलग से बोला है भैया कि मैक एंड चीज चिकन बर्गर लेके आओ। ठीक है, मजा आया, तो हम टूट पड़ते हैं इस पे। तो डिनर बढ़िया हो गया भाई, बर्गर और मन भर गया, पेट भर गया और अब नींद आ रही है, तो हम लोग जा रहे हैं अपने होटल वापस। और बस यही था आज का दिनचर्या, कल फिर से निकलेंगे और दिन का बायवर्ड मार्केट, पार्लियामेंट हिल और जो जो एक्सप्लोर करना है वो फिर से करेंगे। ठीक है ना, तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कि यूजुअल डायलॉग है। और आपको कुछ कहना है मैडम? गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।